देखिए रामचंद्र के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में एक जो छोटी लीक बाहर निकल कर आई है सामने, वो 15 अगस्त के दिन बाद में सारी पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। करीब 3 पोस्ट आई थी तो वहां पता चला कि रामचरण इज प्लेइंग भगत सिंह, शहीद ए आजम, और जो हमारी आजादी के आधार रहे उनका कैरेक्टर करने वाले हैं। और इस चीज को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सीज भी सामने आई है। देखिए सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी सामने आई है वो है भाई कि जो अपने भगत सिंह थे, शहीद आजम थे, वो एक सिख थे, और जो रामचरण इस कैरेक्टर को करने वाले हैं ही इज फ्रॉम साउथ साइड ऑफ इंडिया, यानी कि ही इज तेलुगु। तो वो सारी चीजें कैसे पकड़ी जाएंगी, किस तरीके से मूवी डिलीवर होगी, तो ये तो हो गया सेकेंडरी इशू जो डायरेक्टर रिजोल्व करेंगे, वो निपटा देंगे सारा काम। लेकिन उससे बड़ा रीजन है कि भाई एक सिख कैरेक्टर को ये रोल क्यों नहीं दिया जा रहा। यहाँ पर आमिर खान जो कि मेथड एक्टर बताए जाते हैं, उनको थोड़ा ना ऐसा आघात पहुंच रहा है कि ऐसे हम आर्ट को, एक कला को मार सकते हैं। क्यों ना ये मूवी एक सिख कैरेक्टर को ही दी जाए, या फिर एक ऐसे कैरेक्टर को दी जाए जो नॉर्थ इंडिया को पूरे अच्छे से अपने अंदर समा चुका हो। यानी कि भाई इनका खुद का प्लान होगा या फिर इनके बेटे का, इनके बेटे के बेटे का, किसी का भी प्लान हो सकता है, इसलिए इतना ज़्यादा इशू मचाया जा रहा है। अब आमिर खान से कोई पूछे भाई आपने थ्री इडियट में कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया, भाई आपके बच्चों तक के कॉलेज पास हो चुके हैं, वहाँ आपका मेथड एक्टर कहाँ गया? आपने एक रोल किया है जो बच्चा आर्मी में जाता है, ये वो करता हजार चीजें। भाई आप आर्मी में कब चले गए? आपके पापा के आर्मी में थे, आपकी मम्मी आर्मी में थी, कोई नहीं था, तो आपने आर्मी वाले की मूवी कैसे कर ली? तो इनकी हजार तरीके की मूवीज हैं जो वहां पर अटपटे कैरेक्टर्स इन्होंने किए हैं। टीचर का रोल इन्होंने किया, बच्चों को पढ़ाया, तो वहां इनके पिताजी के कोई टीचर थोड़ी थे। लेकिन एक एक्टर का काम यही होता है कि अपने आप को ढाल लेना। और इससे पहले जो अजय देवगन थे उन्होंने जब किया था, सोनू सूद ने किया था, बॉबी देओल ने किया था, मनोज साहब ने किया था, तब तो कोई बीच में नहीं आएगी ये तो कैरेक्टर वहां से, ये कैरेक्टर यहाँ से। भाई ऐसा नहीं होता है। लेकिन इतिहास ये चीज भी गवा रहा है कि अब तक शहीद आजम भगत सिंह पर जितनी भी फिल्में बनी हैं वो कहीं ना कहीं फ्लॉप रही है। और वहीं सोनू सूद की मूवी की बात करें जहाँ उन्होंने भगत सिंह प्ले किया था, वो तो भाई हरियाणा पंजाब में शायद बैन तक कर दी गई थी, क्योंकि ऐसे सरकार का कहना था कि काफी कॉन्ट्रोवर्शियल मूवी है ये। और रही बात बॉबी देओल की मूवी जिसका नाम 23 मार्च 1931 शहीद, वो भी एक फ्लॉप मूवी थी। द लेजेंड ऑफ भगत सिंह जो अजय देवगन ने किया था वो भी एक फ्लॉप मूवी हो गई थी। उसका तो बजट आई थिंक 25 करोड़ था यार। मूवी रिलीज हुई थी आपकी 2002 में, उस टाइम 25 करोड़ वाज अ बिग डील। मूवी ने कमाए थे 12 करोड़, तो ये भी एक फ्लॉप ही साबित हुई थी। लेकिन रामचंद्र हम चाहेंगे कि यार ये शहीद आजम की मूवी को और आगे लेकर जाएं और इसको बड़ी हिट ब्लॉकबस्टर बनाएं। बाकी जनता आपका क्या कमेंट है जरूर बताइएगा। बाकी मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।